हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 9B, जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा आर एस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक गिवेन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर वॉच करें, ताकि आपके जो भी डाउट है वो डाउट वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए या फिर उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9B का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला ट्रायंगल ABC, आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जो कि आपके पिक्चर में दिखाया गया है। एंगल B इक्वल टू 35, एंगल B जो है आपको गिवन है 35 है। एंगल C इक्वल टू 65, एंगल C क्या है 65 है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, जो एंगल BAC है, BAC है, इसका जो बाइसेक्टर है वो मीट इन BC एट X, BC पे X पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, एंगल BAC का जो बाइसेक्टर X पॉइंट है वो BC पर मीट करता है। AX, BX एंड CX अरेंज AX, BX एंड CX इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो सबसे पहले देख ले कि हमें दिया क्या क्या है, ताकि हम उससे नेक्स्ट सॉल्व कर पाए। गिवन क्या है, तो गिवन है एंगल B इक्वल टू 35, एंगल C इक्वल टू 65 एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट ऑन एक्स, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पे ये आपका 35 है, ये 65 है, आपको गिवन है ना, ये 35 है, ये 65 है। ठीक है, अब 35 और 65 जो ऐड करेंगे, 35 और 65 तो ये कितना हो जाएगा, 0, 6, 3, 9, 10, 100 हो जाएगा। यानी कि एंगल ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एंगल ए जब 80 हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन में ये मेंशन है कि BAC का बाइसेक्टर एक्स है, यानी कि 40-40 में इसको डिवाइड कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखें आप कि BAC जो है ये आपका 80 आ गया, तो BAX 40 हो जाएगा और XAC कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जब ये 40 हो गया तो ये आपका 105 हो जाएगा। अब बोलेंगे वो क्यों होगा, तो होगा ये है 40, ये 35 यानी 75, और 180 में से इसको माइनस करें तो 105। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम निकाल रखे हैं, चूंकि इसमें टाइम वेस्ट आपका ना हो। अब करेंगे क्या, तो हम पहले लेते हैं इन ट्रायंगल BAX। इस BAX ट्रायंगल में आप ध्यान दें, BAX में, कि एंगल BAX इज ग्रेटर देन एंगल ABX है। क्या एंगल BAX इज ग्रेटर देन एंगल ABX, एकदम है। आप देखिए BAX आपके पास कितना था, 40 आया था, और ABX कितना है, 35 है। यानी ये बड़ा ये छोटा है ना, उसी को लिख दिया कि ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, अब जब ये बड़ा है ये छोटा है, तो BAX है आपके पास, क्या है BAX। अब BAX के सामने साइड क्या है, BX है, यानी कि BX जो है वो ग्रेटर हो जाएगा ABX का। तो ABX के सामने क्या है, AX है। इसको कर लेते हैं AX, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। यहां तक बातें क्लियर है। अब करेंगे क्या, फिर से ले लेते हैं इन ट्रायंगल ACX ले लेते हैं आपकी ACX। अब इस ट्रायंगल में आप देखें कि ACX में आपके पास, पहले तो देख लेते हैं, हमें तो इसी से काम है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, एंगल ACX इज ग्रेटर देन
ए सी एक्स इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ए सी है भी, आप देख भी सकते हैं ये 65 है ये 40 है, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा 65 और 40 ये आपका हो जाएगा 105, ये आपका कितना हो जाएगा 75। बट हमें इस साइड से मतलब है ना, जिस साइड से मतलब है वही तो साइड लेंगे, यानी इस एंगल से कंपेयर करेंगे, इसको हमें निकालना कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो यहाँ पे ACX इज ग्रेटर देन XAC से 65 बड़ा है ना 40 से, यानी ये ग्रेटर है ये लेस है, तो इसको लिखती है, ठीक है। अब ACX जो है इस एंगल के सामने आपका कौन सा साइड है, AX है, ग्रेटर हो जाएगा XAC का एंगल, यहाँ पे छूट गया एंगल दे देंगे XAC का यानी ये 40 है और इसका साइड सामने क्या है XC है, तो यहाँ पे हो जाएगा XC। इसको कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे आप देखें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आपसे आपको क्या मिलेगा, आप देखें कि BX इज ग्रेटर है AX का और AX किससे ग्रेटर है XC का, यही तो हमें दिखाना था ना, AX, BX और CX दिखाना था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BX ग्रेटर है AX से और ये ग्रेटर है CX से। ये क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए था उस लैंग्वेज में हम यहाँ XC को CX कर दिए, यही हमें दिखाना था। एक बार फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रूफ, असेंडिंग में दिखाना था तो असेंडिंग आपका आ गया। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 35, आपको दिया हुआ है एंगल B आपका क्या है 35 है, एंगल C 65 है एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट ऑन BC इन X। जो एंगल BAC का बाइसेक्टर पॉइंट X है ये BC पर मीट करता है। फिर बोला जा रहा है अरेंज AX, BX एंड CX को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो पहले आप यहाँ पे समझ लें, आपके पास एंगल B जो है ये 35 है, एंगल C जो है ये आपका 65 है, ये आपको गिवन है, मेंशन है आपके क्वेश्चन में 65 है। अब ABC ट्रायंगल में हमें ये 35 पता है, ये 65 पता है, ए पता कर सकते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे और 180 से माइनस करेंगे तो हमें ए पता चल जाएगा और ए आपका कितना आएगा 80 आएगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 और 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। यहाँ तो पता चलेगा कि एंगल ए कितना है 80 है। जब आपको एंगल ए पता चल गया तो AX जो है एंगल BAC का बाइसेक्टर है, यानी दो पार्ट में बांटेगा 40 और 40, यहाँ से 40 आपका कर लिए, बाकी की जरूरत नहीं है। ऐसे हम इसको भी 105 निकाल दिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद 180 माइनस करेंगे 105 हो जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमें पता चल गया 40 और 40। अब आप ध्यान दें कि सबसे पहले गिवन लिख दिए हैं कि एंगल बी इक्वल टू 35, एंगल सी इक्वल टू 65 एंड द बाइसेक्टर ऑफ BAC मीट ऑन X। अब इसके बाद हम ट्रायंगल लिए हैं BAX। इस BAX ट्रायंगल में आप ध्यान दें कि एंगल BAX ग्रेटर है एंगल ABX का। अब इसके बाद आप देखें कि BAX ग्रेटर हो गया ABX का, BAX ग्रेटर हो गया ABX का, क्यों हुआ, तो आपको दिख भी रहा है कि 40 है 35, ये छोटा है ये बड़ा है, तो जो बड़ा वो ग्रेटर ही तो होगा ना। अब जब ये आपका आ गया तो BAX के सामने का साइड क्या है BX है और ABX के सामने का साइड क्या है AX है, तो यहाँ पे आपका AX हो गया। इसको कर लिए हम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लिए हैं ट्रायंगल ACX। अब इस ट्रायंगल में आप ध्यान दें कि ACX ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं क्या कि ACX इज ग्रेटर देन XAC। आप देख ले क्यों, क्योंकि ये 65 या 40 है, ये बड़ा है ना जी ये छोटा है, यानी ये ग्रेटर है ये स्मॉल है। अब इसके बाद ACX के सामने साइड क्या है AX है, तो आप लिख दिए AX और XAC के सामने क्या है XAC 40, इसके सामने क्या है XC, तो इसके सामने लिख दिए XC। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया है मेरा।
अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप ध्यान दें कि बी एक्स ए एक्स से बड़ा है, यानी बी एक्स ग्रेटर है ए एक्स से, और यहाँ पे ए एक्स किससे बड़ा है तो एक्स सी से, यानी बी एक्स ग्रेटर है ए एक्स से और ये ग्रेटर है एक्स सी से। बट हमें प्रूफ करना था ए एक्स बी एक्स और सी एक्स चाहिए था, तो बी एक्स का बी एक्स ए एक्स का ए एक्स और ये एक्स सी के जगह पे हम सी एक्स लिख दिए, चूंकि हमें सी एक्स के ही लैंग्वेज में चाहिए था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।